हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मोरपेन लैब्स लिमिटेड के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, पेनी स्टॉक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे अगले टारगेट क्या हो सकते हैं और इसमें आपने क्या करना चाहिए, बाइंग या सेलिंग या एवरेजिंग। इस कंपनी के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दें, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो को हमारी टीम मैनेज करे, जो कि राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है और आपके पोर्टफोलियो को रखती है प्रॉफिट में, तो उसके लिए भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपको कोई भी फीस देना नहीं है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होने के बाद आपको देना है। फ्रेंड्स, मोरपेन लैब्स जो कि फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी है, बट लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, शेयर काफ़ी स्लो चल रहा है। फ्राइडे का इसका रेट था 27 रुपीज़ एंड 52 भी खाए था 48 रुपीज़। पी है 36 का एंड ईपीएस है 0.75 का। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.03। कंपनी पे डेट काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रोमोटर होल्डिंग है 38%, FII का होल्डिंग है 1% और DII का होल्डिंग है 2.95%। बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में, तो मार्च 22 में प्रॉफिट था 12 करोड़ 32 लाख रुपीज़, दिसंबर 22 में वो था 9 करोड़ रुपीज़ और मार्च 23 में आया 8 करोड़ 25 लाख रुपीज़, 12 करोड़ 32 लाख, 9 करोड़ और 8 करोड़ 25 लाख। कंपनी का प्रॉफिट लगातार ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है और यही एक बड़ा रीज़न है कि मोरपेन लैब में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। मोरपेन लैब का अगला रेजिस्टेंस है 28 रुपीज़ 50 पैसा, उसको क्रॉस करेगा तो उसका अगला रेजिस्टेंस है 30 रुपीज़, उसके बाद ही ऊपर जाने की गुंजाइश लगती है। बट ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एवरेज आने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद आप रख नहीं सकते हो, तो आपने मोरपेन लैब में ना ही एवरेजिंग करना है ना ही फ्रेश बाइंग करना है। पर जिन लोगों ने ऊपर के रेट में लिया हुआ है, एक तो वो होल्ड कर सकते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट तक, अगर रिजल्ट अच्छा है तो तेज़ी आएगी, या आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा तो आपने इसमें से एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। फंड ब्लॉक करके कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम रख नहीं सकते हैं। बीच में कोविड की न्यूज़ आई थी जब शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, बट अभी कोविड का कोई भी हिसाब से दूर दूर तक कोई चांस नहीं लग रहा है और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है एवरेज है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद मोरपेन लैब में नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, और ज़्यादा लॉस है तो पार्शियली कुछ पेमेंट निकाल कर दूसरे शेयर में डालकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मोरपेन लैब में आपको ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखेगी, एक रेंज बाउंड होकर ही शेयर चलते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।